दोस्तों ये है आंध्र प्रदेश की फ्यूचरिस्टिक राजधानी अमरावती। दोस्तों इसे महाराष्ट्र के शहर अमरावती के साथ कंफ्यूज मत करना, वो वाला अमरावती अलग है। यह शहर आंध्र प्रदेश के दिल गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के दाहिने किनारे पर और विजयवाड़ा से दक्षिण पश्चिम में 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। समुद्र तल से 49 मीटर की ऊंचाई पर स्थित राजधानी वाला एरिया 217 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वही मेट्रोपोलिटन एरिया 8,352 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजधानी एरिया की जनसंख्या 1,00,000 के ऊपर है। वही मेट्रोपॉलिटन एरिया की जनसंख्या 5.8 मिलियन से अधिक है। अमरावती शहर की सड़कों पर आपको AP07, AP08, AP39 नंबर प्लेट वाली गाड़ियां दौड़ती मिल जाएंगी। इस शहर की इतिहास की बात करें तो यह 2200 साल से भी अधिक यानी दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से भी पुराना है, जो पहले सातवाहन डायनेस्टी की राजधानी हुआ करता था। अमरावती का शाब्दिक अर्थ होता है अमर लोगों का स्थान। अमरावती का नाम प्राचीन शहर दरिकोटा से सटे ऐतिहासिक अमरावती स्थल के नाम पर रखा गया है। सातवाहन डायनेस्टी के बाद इस शहर पर पल्लव, चोल, काकतीय, दिल्ली सल्तनत, बामनी, विजयनगर, गोलकुंडा की सल्तनत और मुगल साम्राज्य ने 1724 में हैदराबाद के निजाम स्थापना से पहले यहाँ पर इन सब का क्रमिक रूप से शासन रहा। ब्रिटिश काल के दौरान यह शहर मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। यह शहर 2014 में लोगों की नजरों में आई क्योंकि 2014 में आंध्र प्रदेश को दो राज्यों में विभाजित किया गया था और विभाजन से पहले हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी थी, जो विभाजन के बाद नए तेलंगाना राज्य में चली गई और तेलंगाना की कैपिटल के साथ हैदराबाद 10 साल के लिए आंध्र प्रदेश की भी टेम्पररी कैपिटल बनी। तभी से आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के बारे में बात शुरू हुई और आंध्र प्रदेश में उस समय के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने राज्य के बीचों बीच और कृष्णा नदी के पास स्थित अमरावती को अपनी राजधानी के रूप में चुना। भाषा और धर्म की बात करें तो यहाँ की अधिकांश आबादी तेलुगु बोलती है। हिंदू धर्म यहाँ का मुख्य धर्म है। यहाँ मुस्लिम, ईसाई और बौद्ध समुदाय भी काफी संख्या में रहते हैं। यहाँ की इकोनॉमी की बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि राजधानी शहर के निर्माण के साथ साथ कृषि अर्थव्यवस्था भी शहरी अर्थव्यवस्था में बदल जाती है। यहाँ की राज्य सरकार राजधानी शहर में निर्माण के लिए सिंगापुर स्थित असेंडेंस सिंह ब्रिज और सिम्बिकार विकास शुरू किया था। 3300 करोड़ की लागत पर नई राजधानी का इंफ्रास्ट्रक्चर 7 से 8 चरणों में डेवलप किया जाना था। 9 जिले इस राजधानी का हिस्सा थे। पीटीआई डेटा सेंटर एशिया में अपनी तरह का चौथा सबसे बड़ा 600 करोड़ और पीआई केयर सर्विसेज इन्वेस्टमेंट के साथ एक हेल्थ केयर बीपीओ का उद्घाटन मंगलगिरी आईटी पार्क में किया गया था। एससीएल टेक्नोलॉजीज और बीएम केयर जैसी आईटी फर्मों ने अमरावती में अपने सेंटर्स खोले थे। अमरावती में 1.8 अरब डॉलर में निवेश के बीआरएस औषधि मंगलगिरी मंडल में बने मंगलगिरी साड़ी और कपड़े राज्य की राजधानी का हिस्सा आंध्र प्रदेश से जियोग्राफिकल इंडिकेशंस में से एक के रूप में रजिस्टर्ड थे। यहाँ के घूमने फिरने की जगहों की बात करें तो आप यहाँ अमर लिंगेश्वर स्वामी मंदिर और अमरावती विरासत परिसर में अमरावती स्तूप, ध्यान बुद्ध प्रतिमा और उड़ावल्ली गुफाएं घूम सकते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आप निकटतम रेलवे स्टेशन तोड़पल्ली के पास करनाल रेलवे स्टेशन के माध्यम से आसानी से आ सकते हैं, जबकि मुख्य रेलवे स्टेशन विजयवाड़ा का है। वहीं अमरावती सीट कैपिटल रोड NH16 से कोर कैपिटल क्षेत्र पहुंचने के लिए अंडर कंस्ट्रक्शन एक धमनी सड़क है। विजयवाड़ा अमरावती सड़क शहर को विजयवाड़ा से कनेक्ट करती है। NH544D पहले प्रस्तावित अमरावती अनंतपुर एक्सप्रेसवे की बजाय अनंतपुर गुंटूर को जोड़ता है। APSRTC शहर को विजयवाड़ा और गुंटूर से कनेक्ट करने वाली
बसों को ऑपरेट करता है। यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा विजयवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो पूरे आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्रों को अपनी सेवाएं देता है। अमरावती को भारत का जन केंद्रित अग्रणी स्मार्ट सिटी बनाने की योजना थी, जो स्टेबल और रहने योग्य बनाया जाना था, और इसे हैप्पीएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड और पीपल्स कैपिटल भी नाम दिया गया था। शहर का प्लान 2014 में जारी किया गया था, जिसे 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य था, लेकिन 2019 के इलेक्शन में चंद्रबाबू नायडू इलेक्शन हार गए और नए मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि वो अमरावती को राजधानी नहीं बनाएंगे। पहले चरण के बाद शहर के डेवलपमेंट का काम रोक दिया और लाखों लोगों के नए शहर का सपना भी टूट गया। लेकिन आज हम इस शहर की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जून 2024 में आंध्र प्रदेश की टेम्पररी कैपिटल की 10 साल का समय खत्म हो चुका है। साथ ही एक बार फिर नायडू सरकार प्रदेश में आ चुकी है। क्या इस बार नायडू सरकार अमरावती को सपनों का शहर बनाने की अधूरी कहानी को पूरा कर आंध्र प्रदेश के सपनों की कैपिटल सिटी का सपना पूरा कर पाएगी, ये तो समय ही बताएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक एवं कमेंट कीजिए। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।